हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट वन द चैप्टर नेम इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर एट मैथमेटिक्स एन सी आर टी सो नाव स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर आर कोइफिशेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ओके तो फर्स्ट यहाँ पर है फाइव एक्स वाई जेड स्क्वा माइनस थ्री जेड वाई ओके तो हमें यहाँ पर क्या करना है आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट आइडेंटिफाई द टर्म्स इनमें से टर्म क्या है उसके को इफिशियंट एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ओके तो यहाँ पर हाउ मेरी टर्म्स दिस इज दिंगल टर्म दिसदर टर्म ओके तो टर्म्स हम यहाँ पर लिखेंगे टर्म्स इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड आ जाएगा माइनस थ्री जेड वाई ओके तो यहां पर देखिए सबसे पहले कोइफिशेंट हम लिखते हैं तो कोइफिशियंट इज इक्वल टू फाइव एंड वेरिएबल्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ओके आपका आंसर हुआ देन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर माइनस थ्री जेड दिख रहा है थ्री जेड वाई तो माइनस थ्री यहाँ पर कोई फिजेंट होगा एंड जेड एंड वाई दीज टू आर द वेरिएबल्स ओके जेड स्क्वेर आप यहां पर लिख सकते हो ओके okay? देन उसके बाद है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्र मैं अभी डायरेक्टली आपको दे रहा हूँ इसका आंसर देखिए ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म यहाँ पर वेरिएबल है एक्स एंड यहाँ पर कोइफिशंट है यहाँ पर वन इसका भी वन और इसका भी वन आफ्टर दैट दिस इज अनदर टर्म दिस इज ऑल्सो अनदर टर्म एंड दिस इज अनादर टर्म सो हियर इज द कोइफिशंट फोर देन माइनस फोर एंड देन प्लस वन ओके यहाँ पर देखिए एक्सक्वायर वाई स्क्वायर एक्सक्वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्र दीज आर द आर देयर सो नेक्स्ट यहाँ पर थ्री माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी वन टू थ्री एंड फोर देर आर द फोर टर्म्स इनमें देखिए फर्स्ट यहाँ पर टर्म में थ्री इज अ कोइफिशेंट यहाँ पर वेरिएबल नहीं है यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा कोफिशंट एंड पी क्यू आर द वेरिएबल्स यहाँ पर वन इज द यहाँ पर कोइफिशंट एंड क्यू आर द वेरिएबल्स एंड माइनस वन इज द coefficient एंड आर पी आर द वेरिएबल्स देन आफ्टर दैट एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू माइनस एक्स वाई हेयर इज अ माइनस यहाँ पर देखिए माइनस वन इसका यहाँ पर हो जाएगा कोफिशेंट यहाँ पर वन बाई टू एंड यहाँ पर भी वन बाई टू कोफिशियंट एंड एक्स वाई एंड एक्स वाई आर द वेरिएबल्स सो स्टूडेंट्स पॉइंट थ्री ए माइनस पॉइंट सिक्स ए बी एंड प्लस पॉइंट फाइव बी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म पॉइंट थ्री इज अ को माइनस पॉइंट सिक्स इज अ कोंट एंड पॉइंट फाइव इज द अनदर अनफिशंट ए ए बी एंड बी आर द वेरिएबल्स ओके यहाँ पर वेरिएबल कौन है ए एंड बी है यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड वेरिएबल है यहाँ पर एक्स वेरिएबल है यहाँ पर एक्स वाई जेड वेरिएबल है यहाँ पर पी क्यू आर वेरिएबल है यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर ए बी यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर टू क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोम एज मोनोमियल्स बाइनोमियल नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरी फर्स्ट यहाँ पर एक्स प्लस तो के लिए यहां पर हो जाएगा बाइनोमियल ओके फर्स्ट यहाँ पर बाइनोमियल हो गया देन उसके बाद थाउजेंड है थाउजेंड यहाँ पर सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल हो जाएगा देन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर फोर वन टू थ्री फोर देर आर फोर टर्म्स तो यहाँ पर ट्राइनोमियल है बायनोमियल है मोनोमेल है फोर टर्म्स के लिए कोई नहीं तो इसका मतलब ये इस कैटेगरी में नहीं बैठेगा ओके okay? तो ये पोलिनोमियल में आ जाएगा बट यहाँ पर इस कैटेगरी में थ्री कैटेगरी में नहीं फिट हो रहा है देन सेवन प्लस वाई प्लस फाइव एक्स देर आर हाउ मेनी टर्म्स वन टू थ्री थ्री टर्म्स मतलब ये ट्राइनोमियल हो गया देन टू वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर देर आर द टू टर्म्स इसका मतलब ये बायनोमियल हो गया देन टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई क्यूब देर आर द वन टू एंड थ्री थ्री टर्म्स मतलब ये ट्राइनोमियल उसके बाद यहाँ पर फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस एक्स वाई थ्री एक्स वाई ये भी ट्राइनोमियल फोर जेड माइनस फिफ्टीन जेड स्क्वायर बाइनोमियल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ये यहाँ पर पॉरिनोमियल हो जाएगा इस कंडीशन में नहीं बैठता कैटेगरी में पी क्यू आर सिंगल टर्म है मोनोमियल पी स्क्र क्यू प्लस पी क्यू स्क्वे बाय नोमियल टू पी प्लस टू क्यू बायनोमियल क्वेश्चन नंबर थ्री एड द फॉलोविंग ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर सिमिलर एंड सेम लाइक टर्म्स यहाँ पर होने चाहिए देखिए यहाँ पर ए बी माइनस बी सी बी सी माइनस सी एंड सी ए माइनस ए बी दिया है तो ए बी माइनस बी सी सेकेंड बी सी है माइनस सी ए मतलब ए सी भी हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर बी सी के नीचे बी सी आ जाएगा देन माइनस सी ए आफ्टर दैट सी एंड ए बी दिया है तो माइनस ए बी फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा उसके नीचे एंड सी ए कहाँ पर आ जाएगा सी ए आ जाएगा यहाँ पर ओके okay? तो हमें क्या करना है एडिशन करना है तो एडिशन ऑपरेशन देखिए प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है ऑपरेशन यहाँ पर प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा ठीक है तो ए बी एंड ए माइनस ए बी गेट कैंसल माइनस बी सी एंड प्लस बी सी गेट कैंसल माइनस सी एंड प्लस सी ए गेट कैंसल सो वी हेयर वी गेट द आंसर हाउ मच देखिये दोनों भी यहाँ पर कैंसल हो गए तो यहाँ पर जीरो यहाँ पर जीरो एंड यहाँ पर जीरो सो वी गेट द आंसर जीरो ओके नेक्स्ट आफ्टर दैट है सेकेंड वन यहाँ पर ए माइनस बी प्लस ए बी बी माइनस सी प्लस बी सी है बी यहाँ पर है तो बी उसके नीचे देन माइनस सी है तो माइनस सी को यहाँ पर लिखा देन प्लस बी सी है तो प्लस बी सी यहाँ पर आ जाएगा देन सी माइनस ए सी माइनस ए एंड देन प्लस ए सी तो प्लस ए सी यहाँ पर दिख रहेगा कहीं पे नहीं तो प्लस ए सी यहाँ पर आ जाएगा बाहर सो स्टूडेंट्स देखिए एडिशन करना है ए प्लस माइनस ए गेट कैंसल माइनस बी एंड प्लस बी गेट कैंसल ए बी वैसे के वैसा माइनस सी प्लस सी गेट कैंसल प्लस बी सी and plus AC, okay? So AB plus BC plus AC is our answer, okay? Now 2p square q square minus 3pq plus 4, then after that plus 5 यहाँ पर आ जाएगा. 7pq है तो यहाँ पर 7pq आ जाएगा. Addition करना इसकी. यहाँ पर भी हम addition लिख लेते ऐसे. Then minus 3p square q square. तो minus थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायेयर ओके तो हम यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर देन टू माइनस माइनस थ्री यहाँ पर क्या होता है टू माइनस थ्री क्या होता है माइनस वन सो वी गेट माइनस वन पी स्क्वायर क्यू स्क्र माइनस वन हम लिखते नहीं डायरेक्टली माइनस पी स्क्र क्यू स्क्वायेयर लिखेंगे माइनस थ्री प्लस सेवन वी गेट फोर पी क्यूब बट यहाँ पर प्लस का साइन प्लस फोर प्लस फाइव वी गेट नाइन सो प्लस नाइन यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड नावी सॉल्व नेक्स्ट लास्ट वन यहाँ पर इसका क्वेश्चन का एल स्क् प्लस एम स्क्वायर देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर देन प्लस एन स्क्वायर एन स्क्वायर यहाँ पर प्लस साइन नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है सो एन स्क्वायर एंड एल स्क्वायर देन उसके बाद टू एल एम है ओके सो टू एल एम यहाँ पर है सो टू एल एम देन टू एम एन एंड टू एन एल ओके सो स्टूडेंट नाउ डू द एडिशन प्लस एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर देन प्लस एल स्क्वायर यहाँ पर है ठीक है एल स्क्वायर यहाँ पर है स्टूडेंट्स देखिए एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ से ये टू एल स्क्वायेयर हो गया ठीक है देन प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन एंड प्लस टू एन एल यहाँ पर हो जाएगा आप यहाँ से एल को भी निकाल सकते हो यहाँ पर आप एम स्क्र है यहाँ पर एम एन है आप एम भी कॉमन निकाल सकते हो एम एन भी कॉमन निकाल सकते हो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो ओके okay? तो यहाँ पर देखिए टू एल है स्क्वायर यहाँ पर टू एल है तो टू को कॉमन निकाल सकते हो एल प्लस एम बन जाएगा आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते ओके क्वेश्चन नंबर फोर है, okay? है सब करना है हमें फोर ए माइनस सेवन ए बी प्लस थ्री बी प्लस ट्वेल्व फ्रॉम ट्वेल्व ए माइनस नाइन ए बी प्लस फाइव बी माइनस थ्री से ओके तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं फोर ए माइनस सेवन ए बी प्लस थ्री बी प्लस ट्वेल्व ब्रैकेट में डालिए माइनस इसे हमें सब करना है किस में किस से फ्रॉम तो यहाँ पर फर्स्ट टेबल आ जाएगा ब्रैकेट आ जाएगा ट्वेल्व ए माइनस नाइन ए बी देन फाइव बी माइनस थ्री ओके तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का सिंबल अभी स्टूडेंट्स क्या करना है ब्रैकेट ओपन करना है तो ट्वेल्व ए माइनस नाइन ए बी प्लस फाइव बी माइनस थ्री माइनस फोर ए प्लस सेवन ए बी क्या होता है ऑलरेडी पता है कि ब्रैकेट ओपन करते हो बाहर अगर माइनस का साइन है तो साइन क्या होते हैं सभी के रिवर्स हो जाते हैं तो माइनस थ्री बी माइनस ट्वेल्व ओके देन यहाँ पर देखिए लाइक टर्म्स को रीअरेंज करके लिखते हैं तो ट्वेल्व ए माइनस फोर ए माइनस नाइन ए बी प्लस सेवन ए बी देन प्लस फाइव बी माइनस थ्री बी माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व आइए इसे सॉल्व कर लेते देर फोर ट्वेल्व ए माइनस फोर ए एट ए माइनस नाइन ए बी सेवन ए बी सेवन माइनस यहाँ पर देखिए नाइन के साथ अगर हम इसका ऑपरेशन टू और एट और नाइन माइनस टू ए बी देन प्लस टू बी एंड देन माइनस फिफ्टीन यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ओके नवी सॉल्व नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टू देखिए हमें सब्ट्रैक करना है फ़ाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स प्लस टेन एक्स वाई जेड सब्ट्रैक किसको करना है थ्री एक्स वाई प्लस फाइव वाई जेड माइनस सेवन जेड एक्स ओके ब्रैकेट ओपन करिए अभी फ़ाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स प्लस टेन एक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फाइव वाई जेड प्लस सेवन जेड एक्स ओके लाइक टर्म को यहाँ पर देखिए एक्स वाई है यहाँ पर एक्स वाई है वाई जेड यहाँ पर है वाई जेड यहाँ पर है जेड एक्स यहाँ पर है यहाँ पर जेड एक्स है ओके सो देर फोर फाइव एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस फाइव जेड माइनस टू जेड एक्स प्लस सेवन जेड एक्स प्लस टेन एक्स वाई जेड अभी इसे सॉल्व करिए फाइव माइनस टू टू एक्स वाई माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस का साइन सेवन वाई जेड प्लस माइनस माइनस प्लस टेन एक्स वाई जेड हमारा आंसर हुआ एंड अभी सॉल्व ले यहाँ पर थर्ड वन है उसे सॉल्व कर लेते हैं अभी फोर पी क्यू पी स्क्र क्यू माइनस थ्री पी क्यू प्लस फाइव पी की स्क्वायर इसे सब करना है तो हम क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स पी स्क्वेयर क्यू है ना अभी यहाँ पर ही डायरेक्टली कर लेते हैं पी स्क्र क्यू यहाँ पर दिख रहा है तो फोर पी स्क्वेयर क्यू यहाँ पर आ जाएगा देन थ्री पी क्यू थ्री पी क्यू कहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर सो थ्री पी क्यू बट साइन माइनस का है देन आफ्टर दैट फाइव पी क्यू स्क्वायेर पी क्यू कहाँ पर है यहाँ पर तो प्लस फाइव पी क्यू स्क्वायर देन माइनस एट पी माइनस एट पी आ जाएगा यहाँ पर प्लस सेवन क्यू प्लस सेवन क्यू आता है यहाँ पर एंड माइनस टेन ओके तो यहाँ पर क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो एटीन प्लस टेन होता है ट्वेंटी एट माइनस थ्री पी प्लस एट पी यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस फाइव पी हो जाएगा माइनस इलेवन देन प्लस है तो ये माइनस सेवन पी सेवन क्यू हो जाएगा तो यहाँ पर एटीन क्यू आ जाएगा माइनस एटीन क्यू देन आफ्टर दैट प्लस फाइव पी क्यू एंड माइनस थ्री पी क्यू है तो माइनस माइनस पॉजिटिव एट पी क्यू यहाँ पर आ जाता है प्लस एट पी क्यू माइनस प्लस माइनस माइनस फाइव टू एंड माइनस टू यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से सेवन आ जाता है माइनस सेवन पी क्यू यहाँ पर आ जाता है माइनस का साइन फोर क्या है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा तो ये हो जाता है प्लस पी स्क्वेयर क्यू ओके तो ये बनता है आपका आंसर तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट वन यहाँ पर एंड हुई तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू